Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. भारत और पाकिस्तान का सुपरहिट मुकाबला आज वर्ल्ड T20 में देखने के लिए मिलेगा, और उससे पहले आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं जिसमें हम अभी जोश से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की बारीकियों तक भी उसका एक एक पहलू हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बात जब इंडिया और पाकिस्तान की आती है तो मैच में जुनून से ज्यादा जरूरी हो जाता है यह भी देखना कि दोनों तरफ की जो 11 नजर आ रही हैं उनका मुकाबला किस तरह का होने वाला है। हम आपको अपने संवाददाता नीतीश के पास भी लिए चलते हैं जो कि दिल्ली से इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वहां पर जो लोग उनके साथ एकत्रित हैं, 1:30 बजे का इंतजार सबको है। नीतीश, जी बिल्कुल, भारत पाकिस्तान का मुकाबला, और आप देख सकते हैं किस तरीके का जोश, जुनून और जज्बा यहाँ पर तमाम जो फैंस हैं उनके अंदर में नजर आ रहा है। कहीं से भी आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो फैंस हैं वो मेलबर्न में नहीं है, इनकी जो उपस्थिति है वो इसी तरीके की है। जोश जो है वो भरा हुआ है सभी के फैंस के अंदर में, और इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस महामुकाबले के लिए ये फैंस यहाँ से अपनी टीम को किस तरीके से जो है उनकी हौसला अफजाई करने के लिए तैयार है, क्या उनका कहना है अपनी टीम के खिलाड़ियों को लेकर। जैसा तमाम फैंस है, सर भारत पाकिस्तान का मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला होता है, लेकिन साथ साथ में जोश के साथ दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। पिछली बार हमने देखा कि क्या हुआ था वर्ल्ड कप, और थिंग सर वन और थिंग, वापस से वही स्ट्रीक चलेगी, 20-25 मैच फिर हम जीतेंगे वर्ल्ड कप में, वन एक और डिफीट बनते कोई बात नहीं। आज दिवाली है, दिवाली का गिफ्ट इंडियन टीम इंडिया में देगी देगी इंडिया। आपको क्या लगता है कि आज भारत की तरफ से कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो पाकिस्तान को दबाव में रखेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि आज पूरी इंडिया टीम अपने अपने बैट और बॉल से आतिशबाजी करेगी मेलबर्न में, और वो जीत का तोहफा देके पूरा हिंदुस्तान आज आतिशबाजी करेगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम पता है हमें किस तरीके से परफॉर्म करते नजर आ रही है, शाहीन भी वापस आ चुके हैं टीम के अंदर में। आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है पलरा भारी रहेगा, या फिर भारत आसानी से जीतेगा? नहीं, हमारी इंडिया की परफॉर्मेंस आज सबसे बेहतर रहने वाली है। पाकिस्तान टीम में कोई भी आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी टीम इंडिया आज जीतेगी, और दिवाली हम आज मनाएंगे। उतना वो लेवल आ ही नहीं सकता सर, वो लेवल नहीं आता, वो इनस्विंग नहीं आएगी उसकी, पिटेगा रोहित शर्मा, पहले वो ने पिटेगा उसको। वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है कि इंडिया को जीतना है, इंडिया जीतेगा, दिवाली का गिफ्ट हमको मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है जरूर मिलेगा, आज ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय फैंस हैं वो दिवाली के पहले दिवाली मनाना चाहते हैं, और वो भी भारतीय टीम की जीत के खुशी के साथ। देखिए, इंडिया में ये दिल्ली में खासकर पटाखों पर पाबंदी है, तो सब सोच रहे हैं शायद आज बल्लेबाज जो है हिंदुस्तान के वही आज पटाखे करके आतिशबाजी कर दें सबके लिए, दिवाली का त्यौहार बन जाए छोटी दीपावली आज। लेकिन जो दोनों तरफ के दो कप्तान इस समय है, एक तरफ बाबर आजम, एक तरफ रोहित शर्मा, किस तरह का यह मुकाबला उनके लिहाज से भी रहेगा, देखिए दोनों की बातें सुनकर क्लैरिटी किस में ज्यादा इस समय दिख रही है। रोहित शर्मा डेफिनेटली, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस है, 2007 में जो उस टीम में आदमी हैं उसने वर्ल्ड कप ट्रॉफी को टेस्ट कर रखा है। 2007 में जब MS धोनी कैप्टन थे तो वो इतने चांस से वर्ल्ड कप खेले आए हैं। अभी आप देखोगे 2011 उन्होंने मिस आउट किया रोहित शर्मा ने, तो मुझे लगता है उनके जहन में है वो चीज़, ट्रॉफी तो हिंदुस्तान आने वाली है, लेकिन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है अच्छा, वो क्योंकि किसी भी बिग ICC इवेंट में आप पहला मैच जीते हो ना तो मोमेंटम रहता है आपके पास, वो पहला ही मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये मैच जीतेगी इंडिया तो उनका जो डगर है ना बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि बाबर आजम के ऊपर प्रेशर ये भी हो जाता है कि कैप्टेंसी भी करनी है, और उसके साथ ही आप सबसे बड़ा रीजन अगर कोई है कि पाकिस्तान क्यों जीतेगा तो लोग कहते हैं बाबर आजम, जबकि पेसर्स भी डिपेंडेंट टीम है, लेकिन बैटिंग अगर बाबर आजम ने क्लिक किया और ओपनिंग की वो साझेदारी टूट गई तो खत्म है। नहीं देखिए, बाबर आजम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, और इन्होंने जब पीछे भी जो इंग्लैंड की सीरीज हुई थी पाकिस्तान में तो इतनी ज़्यादा अच्छी है इन्होंने कैप्टनसी नहीं की, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब भी कभी कोई मैच आउट ऑफ कंट्रोल जब जाता है तो कैप्टन का होता है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, वो कंट्रोल नहीं कर पाए। इसमें मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको, ही कैन कंट्रोल द गेम, बिकॉज 2020 क्रिकेट में क्या है कि आपको जल्दी से जल्दी यू नो कैप्टन का इन्वॉल्वमेंट होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि गेम स्लिप करता चला जाता है। बाबर आजम में अभी तक जितना भी मैंने इनके मैचेस देखे हैं
कैप्टनसी उसने इतनी अच्छी नहीं की। एक तो उसको ऊपर अपने बैटिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। रोहित शर्मा की अगर आप बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा इज डिफरेंट प्लेयर्स ऑल टुगेदर। वो ई प्लेज द शॉट्स है ना, एंड 360 डिग्री पे वो ऐसे शॉट्स खेल जाता है जिसको अनबिलीवेबल शॉट्स। पर बाबर आजमन थोड़ा सा प्रेशर उसके ऊपर ज़्यादा रहेगा हमेशा, और ऊपर से अब जब वो रिकॉर्ड भी टूट गया है कि वर्ल्ड कप में आप हारते नहीं है पाकिस्तान से, पहले तो पाकिस्तान कहता था प्रेशर तो पूरी तरीके से इंडिया पे, अब तो उन्हें भी लिव अप करना है उस पे। सुनील गावस्कर भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। सनी भाई, कैसी टीम पिक करनी चाहिए आज इंडिया को, क्या बैलेंस होना चाहिए हमारा? मैं समझता हूँ कि मोहम्मद शमी के पास बड़ा एक्सपीरियंस है, जबरदस्त एक्सपीरियंस है, तो उसके साथ जाना बेहतर होगा, क्योंकि हर्षल पटेल हाफ T20 स्पेशलिस्ट है, पर इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने देखा है कि वो इतने इफेक्टिव नहीं हुए हैं जितने वो IPL में होते, तो मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी से ही अगर जाए तो बेहतर होगा। चलिए मेलबर्न से मेलबर्न ही चलते हैं। विक्रांत गुप्ता अभी भी घिरे हुए हैं, लेकिन अब विक्रांत आपके दोनों तरफ मुझे नीली जर्सी ही दिख रही है फैंस की। नीली जर्सी है, पीली हरी जर्सी है, मैं आपको थोड़ा लेकर चलता हूँ जर्सी। मजे की बात क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान की थिरक रही है किस पे, हिंदी गानों पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि फैंस के साथ थोड़ा थोड़ा हम भी थिरक ले, क्यों जी है? श्वेता, ये मैच मतलब बताइए 3.5 घंटे का होगा, 3.5 घंटे मैच से पहले, 3.5 घंटे मैच से पहले यहाँ पर पार्टी शुरू हो गई है, है? ये इंडियन फैंस कह रहे हैं, हिंदुस्तान के सारे फैंस ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी फैंस बॉलीवुड के गानों पे नाच रहे हैं वो मैच से पहले की पार्टी है। बॉलीवुड ने भी पाकिस्तान से गाने चुराए हुए, मैच से पहले की पार्टी है, मैच के बाद करें यही नाचेंगे। इंशाल्लाह मैच से पहले भी पार्टी करेंगे और मैच के बाद भी पार्टी करेंगे। ये लोग कह रहे हैं शाहिन शाह अफरीदी यार, मैंने यहाँ सच बताऊं तो ना आपका चेहरा दिख रहा है ना आप किससे बात कर रहे हैं वो पता चल रहा है, मुझे लग रहा है कैमरामैन कहीं और रह गए हैं और आपको फैंस कहीं और ले गए हैं, तो आप दोनों जरा एक साथ मिल जाएं उसके बाद आती हूँ आपके पास। हरभजन सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाजपा शाहिन शाह अफरीदी एक नाम आ जाता है जिसको लेकर थोड़ी यादें इंडिया की अच्छी जुड़ी नहीं रही, तो उनको लेके किस तरह की सावधानी बरतनी है? देखिए प्लान शाहिन अफरीदी के सामने सिंपल होना चाहिए कि जो उनकी अंदर वाली बॉल आती है उसको टैकल करना है और उसको रन में तब्दील करना है, रादर देन कि पैड बचाने को देखना है या विकेट बचाने को देखना है। अगर आप पैड बचाओगे तो उसमें तो शायद पैड पे बॉल लग ही जाएगा, बट अगर आप रन बनाने देखोगे तो रन बनाने के चक्कर में आप शाहिन अफरीदी और उसकी टीम के ऊपर प्रेशर डाल सकते हो, और बेस्ट वे टू प्ले दिस फॉर्मेट इज ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन द ओपोनेंट। वो तभी हो सकता है जब आप रन बनाने के लिए देख रहे हो, डिफेंड करने के लिए। पाकिस्तान को लेके अगर ये कहा जाता है कि उनके पास बेस्ट पेस अटैक शायद आज की तारीख में दुनिया में है, तो भारतीय बल्लेबाजों ने भी ये रुतबा हासिल किया है कि वो पेस के खिलाफ खेलने वाले बेस्ट बल्लेबाज हो जाते हैं, तो शाहिन शाह अफरीदी क्या वाकई उतना बड़ा थ्रेट है? नहीं, बिल्कुल जैसे भजूपा ने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट आपको अटैक करने के लिए, आप एक ओवर देखते हो 2020 में, फिर आपको वो अपना टाइम करने को देखना है वो, क्योंकि रोहित शर्मा इतना टैलेंटेड है वर्ल्ड के, मैं बोलूँगा टॉप 3 में आते हैं वो 2020 में, फिर विराट कोहली नंबर 3 है, फिर सूर्य कुमार यादव 4 नंबर है, और राहुल जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, तो अगर उनके पास वर्ल्ड के बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन हमारे पास टॉप 10 जितने भी आप देखेंगे वो वर्ल्ड के टॉप 10 में ही आते हो, तो उन्होंने उनका हासिल कर रखा है, कैसे प्लान करना है, और डेफिनेटली जो प्रॉपर एक हमारा स्पोर्ट्स स्टाफ है वो वर्क कर रहा है उन्होंने, वो प्रैक्टिस मैन हमने अच्छा किया है वो, बट वो टूर्नामेंट में जो स्टार्ट होता है ना, आपको थोड़ा अटैक करना है, देखना है, अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट करना है वो, और जो इम्पैक्ट होता है वो इंटेंट से आता है वो, और इंडिया के पास इंटेंट है, अगर आप एग्रेसिव जाएंगे इंटेंट के साथ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं बॉलर की लय खराब होती है, तो वो जरूर करना है हमें 3-4 ओवर।
लेकिन उसके साथ एक वो हो जाता है कि दूसरे छोर पर है वो भी तो अपनी लय में पूरी तरीके से है उनका गेंदबाज, अगर चाहे शाहीन शाह हो, हारिस राउफ हो, मतलब पाकिस्तान की गेंदबाजी कम से कम पूरी तरीके से सॉर्टेड है। हाँ बिल्कुल सॉर्टेड है, क्योंकि देखिए हैरिस रोफ जो है वो अगर पीछे देखा जाए तो वही सबसे ज़्यादा विकेट्स निकाल रहा है। हाँ। और शाहीन शाह अफरीदी ठीक है, आप प्लान कर सकते हैं जैसे सुरेश ने कहा कि देखिए आपको प्रॉपर क्रिकेट खेल, क्योंकि पावर प्ले के प्रॉपर क्रिकेट खेल के भी आप रन बना सकते हैं, लॉन्ग द ग्राउंड भी आप रन बना सकते हैं अगर आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा थ्रेट है, क्योंकि उसका बॉल जो अंदर आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा डेंजर है, बाकी जो नेचुरल बॉल है उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि प्रॉपर क्रिकेट खेल के भी आप उनके उसके अगेंस्ट रन बना सकते हैं, पर डेफिनेटली आप मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक जो है इस वक्त काफ़ी अच्छा भी है, बट इतना हमारा भी बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है, मतलब उसका टेरर इंसान फील करे उसको बस। अब जब कह ही रहे हैं आपके एक गेम है तो चलिए गेम की तरह खेलिए, भोपाल चलते हैं। रवीश पाल सिंह वहां पर किसी क्रिकेट एकेडमी में है आप रवीश इस समय? जी बिल्कुल श्वेता जी, एक क्रिकेट ग्राउंड है भोपाल का, ओल्ड कैंपियन क्रिकेट ग्राउंड है, और मेरे ठीक पीछे पहले सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर के जहां जज्बा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिवाली का त्यौहार होने के बावजूद सुबह से जो क्रिकेट प्रेमी है वो अपना हर इतवार को होने वाले जो क्रिकेट प्रेम है उसे नहीं छोड़ रहे हैं, और सुबह से यहाँ पे क्रिकेट प्रेमी डटे हुए हैं, बिल्कुल अपना मैच तो खेल ही रहे हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान का जब मैच आता है तो जाहिर सी बात है बाकी सब छोड़ करके कुछ ऐसे भी क्रिकेटर है जैसे ये बैट्समैन, इनकी बैटिंग आनी थी लेकिन इन्हें जैसे ही पता चला कि आज तक भारत पाकिस्तान मैच को लेकर के लाइव है तो ये अभी फिलहाल अपने पैड्स को छोड़ चुके हैं और यहाँ पे इंडिया को चीयर अप करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या नाम है बेटा आपका? ईशान चंद्रवंशी। ईशान, ईशान आपका नाम है, तो ये बताएं आज के मैच को लेकर के क्या एक्साइटमेंट है? कुछ नहीं, बस इंडिया जीते सब अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे और भारत जीते और वर्ल्ड कप भी जीते, हमारी यही उम्मीद है। जय हिंद जय भारत। काफी लंबा इंतजार नहीं हो गया, 15 साल पहले जीते थे 2007 में, उसके बाद हाँ वो वर्ल्ड कप आया, वो तो गया, बस धोनी नहीं थे ना इसलिए धोनी ने कप्तान छोड़ दी थी जी। आप आए, आप क्या क्या कहना चाहेंगे टीम इंडिया के लिए आज? मैं टीम इंडिया से बस यही कहना चाहूँगा कि बॉलिंग लक के करें, बैटिंग में सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनसे उम्मीदें रहेंगी, और बॉलिंग में मोहम्मद शामी और ये हमारे सारे जितने भी बॉलर्स हैं उन सबसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, बस इंडिया ये मैच जीत जाए। ये दिवाली का त्यौहार है, आज छोटी दिवाली है, अगर इंडिया जीतती तो आज इंडिया के लिए बड़ी दिवाली भी हो सकती है, आपके लिए, सबके लिए, पूरे इंडिया के लिए आज। तो आप और आपको और भी दिखाते हैं श्वेता जी कि ये पूरे बच्चे एकेडमी के जो बच्चे हैं, देखिए ये एक बैट्समैन और आ गए, क्या क्या कहेंगे आज इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के, कितना एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है और काफ़ी होता है, इंडिया और पाकिस्तान में ही होता है क्योंकि ये मैच बार बार नहीं आते, कभी कभी आते हैं और ये टूर्नामेंट में ही आते हैं। लास्ट टाइम जब हुआ था तो पाकिस्तान ने हरा दिया था इंडिया को, हार जीत तो चलती है, अब अपन जीत जाएंगे आज मैच तो उनकी हार होगी, और अपन क्या लगता है आप तो क्रिकेट खेलते हो आप लोग सब, तो इंडिया और पाकिस्तान अभी किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है आज के मैच? इंडिया का ही ऑब्वियसली, बस बॉलिंग में थोड़ी लाइनअप थोड़ी वीक है तो शमी के आने के बाद वो अच्छी हो गई है। अच्छा रवीश, लास्ट मैच में बहुत रवीश, छोटी दिवाली तो है, आपका जन्मदिन भी है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की, और वहां पर जो क्रिकेट एकेडमी के छोटे छोटे बच्चे जो इतनी मैच्योरिटी के साथ अपना पूरा कमेंट दे रहे हैं, लेकिन कोलकाता में लहरा रहा है तिरंगा, ऋतिक वहां से हमारे साथ है। ऋतिक, कोलकाता तो स्पोर्ट्स सिटी ही है और आज ऐसे इंतजार हो रहा है T20 का? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मैच का तैयारी है, मैदान प्रस्तुत हो चुका है, भारत और पाकिस्तान आमने सामने होने वाले, तो भले हम हैं बेहाला यानी सौरभ गांगुली के पारा में, दादा के पारा में है, तो ये जबरदस्त जो मंजर है आपको दिखाना चाहेंगे, और जो फैंस है उनमें जुनून भी काफी है, यहाँ पर जो चल रहा है एक हवन कुंड बनाया गया है, मैं दिखाना चाहूंगा, और उसके साथ साथ लोगों में जुनून बहुत ही खास है, रविवार का माहौल है, सुबह से कोलकाता में इस तरीके से प्रार्थनाएं चल रही है। आइए बात करते हैं क्या लग रहा है कि आज के खास इस मैच के लिए भारत की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए? टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होगा क्योंकि कल के मैच में हम लोगों ने देखा कि
ओपनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग अच्छी नहीं हुई तो इंडिया के टॉप ऑर्डर को अच्छा परफॉर्म करना होगा, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की बॉलिंग को बहुत अच्छे से खेलना होगा। और इस बार इंडिया रेडी है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दिनेश कार्तिक। हाल ये है जैसे पूरी दिवाली का उत्सव है यहाँ पर कोलकाता में, कल काली पूजा भी होना ने यानी माँ काली के पूजन भी की जा रही है, हवन कुंड बनवाया गया है, क्या प्रार्थनाएं है आज? प्रार्थना यही है कि इंडिया जीते, हम पाकिस्तान को इस बार हरा पाए और रिवेंज ले पाए एशिया कप का, इस बार हम लोग यही चाहते हैं क्योंकि एशिया कप में उन्होंने हमें हराया था, बट इस बार हम चाहते हैं कि हम उन्हें हराएं, आफ्टर ऑल इट्स अ गेम, तो हम चाहते हैं। आप बिल्कुल ये जो ट्राइकलर है उसमें सजे हुए हैं, क्या प्रार्थनाएं हैं कोलकाता की तरफ से आज के इस खास मैच के लिए? देख कोलकाता के लिए, इंडिया के लिए है, हम आज के प्रार्थना इसीलिए किया जो इंडिया पाकिस्तान के अच्छा करके हराया। ये जो मंजर हमें एक बार दिखाना चाहूंगा, टीम इंडिया का पोस्टर्स और तमाम जो छवि है वो यहाँ पर लगवाए गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर रंगारंग बिल्कुल अच्छा भी है, लोगों में उत्साह काफी ज्यादा है। कोलकाता एक ऐसा शहर है श्वेता, जैसे ही क्रिकेट का माहौल हो या फिर कोई भी उत्सव हो, ये शहर, ये सिटी ऑफ जॉय इसी तरीके से उसे वर्ल्ड कप पहले ले लिया उन्होंने, मनाता है ये मैदान, वर्ल्ड कप उनके पास पहले से है और अब कोई जीते चाहे नहीं जीते इंडिया के पास वर्ल्ड कप है। और रैना ये कमेंट कर रहे थे कि अब इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो अलग ही लेवल पर चला गया है, लेकिन सुन लीजिए जब आप लोग भी खेलते थे ना वहां पर तो उस समय ऐसा ही प्रेशर बन रहा होता था और उसके बाद जब एक कैप्टन आकर ये कह देता है कि नहीं ये तो हमारे लिए बस एक अलग मैच, तो उस समय बड़े दिल भी टूटते हैं लोगों के कि अरे कमाल कर रहे हो कि हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, हवन कुंड हमारा बना हुआ है और यहाँ एक सामान्य मैच की बात हो रही है, सामान्य मैच बिल्कुल भी नहीं रहता है और ये जो तस्वीरें हैं वो सारी गवाह है उसकी। फिर वही सुपरहिट मुकाबला, फिर वही टीमें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कांटे की टक्कर। भारत को न सिर्फ पिछले साल की हार का बदला लेना है बल्कि इस साल वर्ल्ड कप की दावेदारी मजबूत भी करनी है। इस मैच से जुड़ी हर खबर एक्सक्लूसिव सीधे ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ, फटाफट से यूट्यूब पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।